ফাঁকা ফাঁকা সবাইটা যেন দেখায় আর কি লোকজন। नमस्कार, न्यूज आप तक में सभी का स्वागत है। मैं हूँ वल्ली। तो आज हम खड़े हैं मधुपुर के वार्ड नंबर 6 में और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि गांव के इकट्ठे हुए हैं क्योंकि इनका एक मांग रखे कि बहुत दिनों से इनका जो एक ब्रिज बनने का बात है और वो बन ही नहीं रहा है। इसके वजह से इन लोगों को बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बहुत सारे लोग खड़े हैं, हम इनसे जानते हैं क्या है, किस लिए ये जो यहाँ पे खड़े हैं और हमें क्यों बुलाया गया है। सर, पहले तो हम हमारे चैनल में स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़े यहाँ के जिला परिषद मिस्टर श्रीवास जी, तो उनसे भी जानते हैं। सर, यहाँ आप लोग यहाँ इकट्ठा होकर खड़े के कारण क्या है? हम लोग ये जो ब्रिज है, मेरा जन्म होने का पहले से डिमांड है, बुजुर्ग लोग भी है, मेरा काकू लोग भी है, ये लोग भी सफर किया, उसके बाद हम भी सफर किया, हम जब छोटा था तब भी सफर किया स्कूल जाने में, क्योंकि ये वार्ड जो है मधुपुर से कट ऑफ है जी। तो मधुपुर पंचायत इस साइड में है, स्कूल इधर है, सब सेंटर इधर है, लेकिन हम लोग इधर में कम से कम 30 से 35 फैमिली करीबन 100 आदमी के ऊपर सफर कर रहा है ब्रिज के लिए जी। तो बहुत कोशिश हुआ था, पिछले जो हम लोग का एक्स एमपी मनोरंजन भक्ता जी कई बार आ चुका है, उसके बाद राय जी कई बार आ चुका है, लेकिन ये ब्रिज बन नहीं पाया। इसका कारण हमको पता नहीं है, लेकिन जब हम जिला परिषद बना तब ये चीज हमको बहुत ज्यादा लगा कि इतना साल से क्यों नहीं हो रहा है जी। सो हम इधर का आदमी लोग को लेके, बुजुर्ग लोग हैं, इन लोग से भी थोड़ा जानने का कोशिश करेगा और मेरा नॉलेज में तो है ही, दोबारा हम जानने का कोशिश करेगा कि सर इतना दिन से क्यों ये ब्रिज नहीं बन रहा है। सर, एक काम कितना दिन से पेंडिंग पड़ेगा, क्योंकि बहुत पुराना है, जितना कि यहाँ के लोगों को देख के पता चल रहा है ये बहुत दिन से इस चीज के लिए मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। इसको पहले आप मांग उठाए कभी? जरूर उठाए जी। मेरा हम जब बचपन में छोटा था तब से उठा रहा है, एक काकू लोग है, बुजुर्ग लोग है। आपका बचपन भी यही गुजरा? जी, यही गुजरा। और हम जब स्कूल गया तब यही लोग हमें कंधा में करके नाली वाली पार किया था। अब ये लोग बुजुर्ग हो गया, हम भी बुजुर्ग होने वाला है, मेरा बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा, इधर दिखाओ, छोटा छोटा बच्चा है, ये लोग अभी क्या करेगा? तो इस तरह चलते रहेगा तो कैसे होएगा? इसलिए जब गांव का लोग हमको जिला परिषद बनाया तो हमको इसका ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो वो काम मैं कर रहा हूँ। ओके सर, धन्यवाद। और यहाँ के जो ग्रामीण लोग है, यहाँ जो अगल बगल है, सर आपका नाम? तो मनोरंजन सर भी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। सर, कितना साल से पेंडिंग है? सर, आप कितने साल से? मेरा उम्र है, हम 12 साल से हम आया बांग्लादेश से जी, इंडिया में जी। फिर इधर अभी हमारा उम्र है 75 साल। वही 75 साल तो इधर में हम 12 साल आया जी। हमको उतना तो हमको थोड़ा जान पसंद है कौन अच्छा है कौन बुरा है। फिर वही टाइम से हम देखता है इधर में ब्रिज को, कितना आदमी लोग चलता है, कैसे चलता है, नहीं चलता है, कितना तकलीफ होता है, वही टाइम से हम देखता है इधर में। लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं, अभी हम लोग का जरूर है ब्रिज, मांगता है जी। सर, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर, ये जो नाली है, पहले तो मंगर था जी, पहले मंगर था नाली, अभी भी है, अभी भी है, मगर अभी भी, अभी कितना 3-4 फुट ऐसी है जी। मंगर इधर में है कोई जगह में, ये सब देखना पड़ा। आदमी लोग इधर में मर चुका है, दो आदमी लोग, डेट हुआ। आज ऐसी तो ये इस जगह से पार नहीं होने से भी बहुत तकलीफ होता है इधर का पब्लिक लोग, बच्चा लोग को जी। जैसे कि हमने जाना सर, ये इस तरफ जो है स्कूल भी है, इसके उस पार एक गांव है, इस तरफ गांव है, तो यहाँ पार के स्कूल है लेकिन बच्चे जो है वहाँ नहीं जाते हैं, जैसे कि बाजार है, बाजार जाते हैं लेकिन ये बगल वाला स्कूल नहीं जाते, उसका कारण क्या? कारण है उसकी जगह से घूम के जाना 3 किलोमीटर लगता है। अभी 3 किलोमीटर, अभी 9 बजे वो स्कूल खुलता है जी। अभी वो बच्चों के कितना टाइम में चल देगा घर से जी। तो आपको लगता है कि घर के पीछे रहते हैं सिर्फ और सिर्फ इस नाली की वजह से, जो ब्रिज नहीं बना है इसका वजह से उन लोग क्या करते हैं, बाजार जाना पसंद करते हैं, बाजार नहीं जाते। सुबह स्कूल में एडमिट हुआ, फिर इधर में स्कूल आया, कोई कोई भर्ती हुआ बच्चा लोग सब, क्या करेगा अभी? तो और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, इसको दोष किसको देना चाहेंगे, क्यों नहीं बना सर इतना दिन से? दोष बेसि दोष तो हम सरकार को जी, कारण सरकार जो ख्याल करतो আমরা তো দিই পৌঁছে যাই কানের দিন, আমাদের এই স্কুল দরকার, কিন্তু সরকার সেরকম নিচ্ছে না, কেয়ার নিচ্ছে না। এবার নয়ে আয়ে, इससे पहले कितना बार जो ব্রিজ का मामला उठा है पंचायत में? देखिए, हर पार्सल में इलेक्शन होता है, जो इलेक्टेड होके आता है सभी का कोशिश रहता है कि ब्रिज बने,
लेकिन कोई ना कोई जगह में ये लोग रुक जाता है। दोष किसका लगा रहे हैं, पंचायत वाले एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए बात जब हम लोग लोकल नेता लोग जब एडमिशन का पास में अच्छा तरीके से नहीं रख पाएगा तभी तो काम नहीं बनेगा। शायद एडमिशन भी उतना नजर नहीं दिया और लोकल नेता लोग भी उतना ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर में, या प्रेशराइज नहीं किया। तो अभी जब हम खुद सफर कर चुका है 50 साल, और ये जो मेरा बुजुर्ग लोग है ये लोग इसके भी ऊपर 70 साल से सफर कर रहा है। तो अभी इसीलिए हम सोच रहा है कि ये बात को अच्छा से एडमिशन का सामने में रखना चाहिए हमको। तो आपका मीडिया का तरफ से मैं ये बताना चाहता हूँ एडमिशन को कि ये ब्रिज बनना बहुत जरूरी है, सफर करता है, ये चीज एडमिशन को टेबल में हमको रखना चाहिए अच्छा से। और आप लोग का माध्यम से हम सब ऑफिसर को, चाहे एलजी हो, डीसी हो, सेक्रेटरी हो, सबका सामने में ये चीज रखने मांगता हूँ आपका चैनल का माध्यम से, ताकि इधर का आदमी लोग को इतना साल का बाद का जो सपना है पूरा हो सके। अगर नहीं सुन रहे अगला स्टेप क्या होगा? नहीं सुन रहे तो हम लोग कुछ दिन तो देखते रहेंगे जी, क्योंकि बहुत पुराना साल से सर इतना दिन से सुनी नहीं रहे हैं। अच्छा, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? मेरा उम्मीद है अगर लोकल नेता लोग सही तरीका से इसको एडमिशन का पास लेके जाता होने से एक काम इतना दिन नहीं रुकता था, क्योंकि अंडमान में बहुत डेवलपमेंट हुआ, पंचायत में हजारों लाखों करोड़ों रुपया आया जी। अगर स्थानीय नेता लोग अगर सही तरीका से, जो तरीका होता है खाली बोल देने से नहीं होगा, ये एमपी साहब आके अगर बोल दिया कि हाँ ये ब्रिज बन जाएगा तो नहीं बनेगा। गवर्नमेंट का एक रूल रेगुलेशन है, वो सारा चीज हमको देखना है। तो हम सोचता है कि हम ठीक से अगर रख पाएंगे एडमिशन का पास तो ये जरूर हो जाएगा, इतना मेरा होप है। ठीक है, और इसका आगे क्या करेगा वो मतलब सोचने का जरूरत नहीं है, इतना मुझे लगता है कि हम ठीक से अगर रख पाएंगे एडमिशन का पास तो ये जरूर हो जाएगा, इतना मेरा होप है। ठीक है, और इसका आगे क्या करेगा वो मतलब सोचने का भी जरूरत नहीं है, इतना मुझे लगता है, क्योंकि इधर का एडमिशन बहुत अच्छा है, इधर का जो हम लोग का कमिश्नर अभी आया ये भी बहुत अच्छा है, सब काम करने के लिए ही आया। हजारों जो गवर्नमेंट कर्मचारी आए, हजारों होने से एक दो जन काम करने नहीं मांगता, बाकी सब काम करने वाला ही है। तो आप बताइए मैम क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मैम यहाँ से मतलब अगर यहाँ से ब्रिज बन जाता तो बच्चा लोगों को सबसे ज्यादा फायदा बच्चा लोगों को होता, क्योंकि शिक्षा सबसे एक बच्चों का जब बच्चा छोटा होता है बच्चा लोगों का सबसे जरूरी शिक्षा है। तो शिक्षा ही इन लोगों को सही ढंग से मिल नहीं पा रहा है जी। क्योंकि अभी भी सबका एक जैसा मतलब सभी का आर्थिक मतलब सही नहीं है जी। तो इन लोगों को यहाँ से गाड़ी बुक करना पड़ता है बच्चा लोगों को सुभाष ग्राम या कहीं और का स्कूल लेके जाने में। अगर यहाँ का ब्रिज बन जाता तो यहाँ से जाने में बच्चा लोगों का 10 मिनट का टाइम जी, 10 मिनट का टाइम होने से सभी बच्चा स्कूल पहुँच सकता है। ब्रिज ना होने के वजह से मतलब 1 घंटा से ज्यादा बच्चा लोगों को पैदल चलना पड़ता है। अभी 5 साल का बच्चा 1 घंटा चल के स्कूल जा सकता है? कभी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं लोगों का ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम लगभग 40 साल से ये ब्रिज के लिए ये लोग मतलब ये प्रॉब्लम झेल रहा है जी। तो अभी यही मेरा मतलब यही कहना है कि ब्रिज होना है। जब हम भी अभी तो पॉलिटिक्स में नया है वार्ड मेंबर, तो अभी अगर ब्रिज हम अपनी तरफ से पूरी हम यहाँ का 2-3 पॉइंट है, जैसा कि ये नाली में मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ यहाँ से लोग बुजुर्ग लोग आर पार होने में अगर मगरमच्छ पकड़ लिया तो सोचिए वो हो गया। और दूसरा है कि यहाँ से पार होने में 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, 2 लोगों का डेथ हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कुछ मतलब किसी ने कुछ किया नहीं जी। और ये ब्रिज भी अभी तक ऐसा ही पड़ा है, कुछ हो नहीं रहा। तो और 2 कारण है, यहाँ से मतलब 10 मिनट चलने से स्कूल बच्चा लोग स्कूल पहुँच सकता है, प्रेगनेंट लेडी, बुजुर्ग माताएं या बाकी बुजुर्ग लोग जितना है सभी 10 मिनट चलने से सब सेंटर पहुंच सकता है, लेकिन इन लोगों को 1 से 1.5 घंटा चलना पड़ता है। लेकिन ऐसा चलने से तो यहाँ का स्कूल भी बंद हो जाएगा, धीरे धीरे बच्चा नहीं जा रहा है, स्कूल भी बंद हो जाएगा और सब सेंटर का भी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अगर कोई जा नहीं पा रहा है 2 घंटा यहाँ से ये तरफ जाने से बेहतर है कि बाजार का हॉस्पिटल में चले जाए, वह बड़ा हॉस्पिटल है। तो हम लोगों का यही
मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि यह हम लोगों को तरफ देखे और इन लोगों का सभी का समस्या समझे और इन लोगों का जो तकलीफ है इसमें कोई कुछ कार्रवाई तो होना चाहिए। जैसा फॉरेस्ट वाला को बोलता हूँ उन लोग क्या करता, वो पूरा खर्चा बचा लेके यहाँ पर डाल के चले जाता, बस वो हो गया उनका ड्यूटी, क्या है क्या नहीं है वो सब उन लोगों को देखना, मेन क्या मेन कारण नहीं है यहाँ पे ब्रिज बनता बस, और कुछ हो या नहीं हो यहाँ से ब्रिज होना ही होना, ठीक है यही मेरा मांग। कितना साल से यहाँ पे है? मेरा अभी 51 इयर्स है, तो जब से यहाँ पे यहाँ से मेरा अब्बा ये है, मेरा बड़ा अब्बा वो है, इन लोगों का कंधा में चढ़ के हम लोग स्कूल पार हुआ आया गया। इतना सालों से नहीं होने का कारण क्या है? कारण यही है सब पॉलिटिशियन का पीछे जी। इन लोग अगर कुछ ख्याल करेगा तो होएगा। जैसे कि हमने इनसे बात किया और प्रॉब्लम जाना, तो देखिए स्कूल उस पार है और ये नाली जो है बहुत बड़ा है, बारिश से बहुत ज्यादा इसमें पानी हो जाता है, तो इन्होंने बहुत बार रिक्वायरमेंट किया है हर नेता के देखते भी इस जगह, लेकिन आज तक इनका जो ब्रिज बना नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ से 5 से 10 मिनट लगता है उस पार दिखाइए भैया, उस पर जाने के लिए 10 मिनट लगता है, लेकिन इनको जो है यहाँ से घूम के 1 से 1.5 घंटा स्कूल जाने में लगता है। इस वजह से बच्चे जो क्या करते हैं बाजार स्कूल में जाते हैं। अब जब इस जगह में स्कूल है, आंगनवाड़ी स्कूल है, यहाँ पे बच्चे अगर नहीं जाएंगे कुछ दिन बाद क्या होगा, वो स्कूल बंद हो जाएगा। कारण देंगे कि बच्चे नहीं आ रहे वहां पढ़ रहे, लेकिन इसका जो कारण है मेन इनका जो दिक्कत है, देखिए इतना सारा एजेड लोग है जो काफी दिनों से वेट कर रहे हैं कि यहाँ एक ब्रिज बने, और दो गांव को मतलब एक ही गांव है लेकिन उस तरफ लोग कुछ आधा है कुछ लोग हाँ। इधर है, इनको जाने के लिए भी वहां से सफर करना पड़ता है, बहुत दूर 2-3 घंटा घूम के जाना पड़ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से हम लोग चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि सर आप लोग जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ ध्यान दीजिए और इनका जो है छोटा छोटा सा जो है इनका ब्रिज यहाँ पे बनाने की कोशिश करिए, इस बार जो है आप इनका बात सुनिए और यहाँ जो है ब्रिज बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ भी ऑलरेडी बहुत सारा डेथ होता है, तो इस वजह से भी बहुत सारा डर है कि आगे अगर मौत होगा उसका जिम्मेदार है भी कौन होगा। तो आप देखिए और इसको कार्य करने के लिए काम करने के लिए देखिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।